हेलो एवरीवन, मैं फजान, आप देख रहे हैं कैन आई टीच यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही रिलेट करेंगे। चलिए देखते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहते हैं। और हाँ, जिसने भी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ा है वो पिछले लेक्चर से जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक साइड जैसे आप देख पा रहे होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखी हुई है और दूसरी साइड क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रिलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्या कर रहे थे। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम लोग कर रहे थे एक्स को अल्फा से रिप्लेस कर रहे थे, जहां पर अल्फा एक रियल वैल्यू थी। एक्स को अल्फा से रिप्लेस कर रहे थे जहाँ पर अल्फा एक रियल वैल्यू थी। उस रियल वैल्यू को रखकर देख रहे थे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कहाँ पर ज़ीरो हो रही है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कहाँ पर ज़ीरो हो रही है उस रियल नंबर को देख रख कर। रियल नंबर को रखने पर जहाँ पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की वैल्यू ज़ीरो हो जा रही थी उससे हम लोग क्या कह रहे थे, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। उस रियल नंबर को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ज़ीरो कह रहे थे, है ना, ज़ीरो कह रहे थे। और उसी तरह इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग उस रियल नंबर को फाइंड करेंगे जिस पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। इसमें रियल नंबर रख कर देख रहे थे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है ज़ीरो हो जाए, लेकिन इसमें क्या करना है, उस रियल नंबर को फाइंड करना है जिस पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जहाँ पर ज़ीरो होगी जिस रियल नंबर पर, उसी रियल नंबर को ये क्या कह रहे हैं, रूट्स कह रहे हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कह रहे हैं उस रियल नंबर को जिस पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। और जिस रियल नंबर पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो होगी उसे इसका रूट भी कहेंगे और वो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल भी होगा, ठीक है। इस बात को चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में नोट करके। और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से और दूसरा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। चलिए सीखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कह रहे हैं फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू जीरो। कह रहे हैं फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताना है वैल्यू बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो करना क्या हम लोगों को, वो वैल्यू देखना है जहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाए और वो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करके निकालेंगे। चलिए फैक्टर आप सभी को आता होगा, अगर फैक्टर नहीं आता होगा तो मैं फैक्टर पर एक अलग सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। चलिए इसे फैक्टर करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस 7x को क्या करते हैं, ये वाले पार्ट को हम लोग ऐड करके लाते हैं, इसलिए प्लस का साइन बना दे रहा हूँ। और 12 वाले को कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करके लाते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ओके। करते क्या हम लोग, इसे ऐड करके लाना होता है तो इसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे जिसमें ये जोड़कर 7 हो जाए, ऐड करने पर 7 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 हो जाए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेकर निकालते हैं ना,
थोड़ा एलसीएम हम लोग एक बार कर लेते हैं, ताकि जो जिन्हें फैक्टर नहीं आता होगा उन्हें थोड़ा हेल्प हो जाएगी। ए और सी का मल्टीप्लाई करके जो आता है उनका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर ए क्या है 1 है और यहाँ पर सी क्या है 12 है, तो ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम में जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, और 1 ऐसे ही। फिर क्या करते हैं हम लोग, पेयर बना लेंगे दो दो का, 2 × 2 × 3 × 1। ठीक है, इनको इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इनको इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये एक पेयर बन गया। ठीक है, जितने भी पेयर बन सकते हैं पॉसिबल पेयर्स उन्हें बनाएंगे। जैसे 2 और 3 का बना लूं, 3 2 को करेंगे मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, और 2 और 1 को करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही और भी बन सकते हैं कुछ, तो चलिए देखते हैं। हम लोग दो पेयर बना लिए, वो पेयर सिलेक्ट करेंगे जो ऐड करने पर 7 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 हो जाए। ठीक है, चलिए इन्हें देखते हैं। 2 को 6 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो रहा है, एकदम ठीक। ऐड करने पर क्या ये 7 हो रहेगा, 6 और 2 ऐड करने पर 8 हो जा रहा है, तो क्या ये ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल इसे नहीं ले सकते हैं। अब ये वाला देखते हैं, ऐड करने पर 7 हो रहा है, देखिए 4 और 3 7, और मल्टीप्लाई करने पर 3 4 का 12 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला पेयर हम लोग लेंगे। 7x को किसने स्प्लिट करेंगे, 3x + 4x में। ठीक है, फिर प्लस 12 ऐसे ही इक्वल टू 0। इसे मिटा देता हूं मैं, अब क्या करेंगे इनसे कॉमन लेंगे, इनका पेयर बना लेंगे और इनका इनसे कॉमन ले लेंगे। इसमें 2 times x है और इसमें 1 टाइम, तो इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे, 1x बचेगा, प्लस यहाँ 1x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, चलिए आगे करते हैं। प्लस इसमें क्या करेंगे, क्या कॉमन लेंगे, कौन बताएगा? जी हाँ, इसमें क्या कॉमन लेंगे, 4 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 भी है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, 4 यहाँ पर छुपा हुआ है, कैसे छुपा हुआ है, 4 और 3 के मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो 4 कॉमन लेंगे, x प्लस 4 कॉमन ले लिया, x बचा, प्लस यहाँ 4 और 3 था तो 4 कॉमन ले लिया, बचा क्या 3, और इक्वल टू 0 ऐसे ही। अब क्या करेंगे, इनमें से कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 दोनों में, तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, फिर x प्लस 4, ये वाला x प्लस ये वाला 4। ठीक है, इक्वल का साइन लगाएंगे ऐसे ही 0। अब 0 से कंपेयर कर लेंगे, पहले इस वाले को करेंगे कंपेयर, फिर इस वाले को करेंगे। ठीक है, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे 3 को उस साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा -3। तो x की क्या वैल्यू आई, -3, और दूसरी वैल्यू देखेंगे हम लोग क्या आती है, x प्लस 4 इक्वल टू 0, फिर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, x 4 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -4। इतनी बात सभी को समझ में आई, क्या किया हम लोगों ने, कह रहा था फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इक्वेशन दी थी हम लोगों को, ये इक्वेशन दी, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, फैक्टर किया आएगा, फैक्टर सभी को आते होंगे, नहीं आते होंगे तो मैं सेपरेट लेक्चर बनाने को बोल ही चुका हूं। एक्स स्क्वायर ऐसे ही उतारा, 7x को स्प्लिट किया 2 पार्ट्स में, 3x + 4x में, + 12 ऐसे ही इक्वल टू 0।
एक्स कॉमन ले लिया इन दोनों में से, एक एक्स बचा प्लस थ्री ये वाला, ठीक है, प्लस का साइन, इसमें क्या कॉमन ले लिया फोर, बचा क्या एक्स, और इसमें फोर भी था और थ्री भी था, फोर कॉमन ले लिया तो बचा क्या थ्री इक्वल टू जीरो। आगे देखते हैं, फिर इनमें से कॉमन ले लिया एक्स प्लस थ्री दोनों में था तो कॉमन ले लिया, और बचा क्या एक्स ये वाला प्लस फोर इक्वल टू जीरो। जीरो से कंपेयर किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से इनका रूट निकल आया। अब रूट को हम लोग चेक कैसे करेंगे, ये इनका रूट है या नहीं है, तो इसी वैल्यू को इसमें रख कर देख लेंगे, अगर जीरो आ जाती तो इसका रूट होगा, यानी कि इसका हल होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और अगर जीरो वैल्यू नहीं आती है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल नहीं होगा ये। चलिए देखते हैं, हम लोग करके देख लेते हैं एक बार, वैल्यूज रख कर देखेंगे। एक्स की जगह क्या रखेंगे हम लोग, एक्स को माइनस थ्री से रिप्लेस करेंगे, स्क्वायर प्लस सेवन मल्टीप्लाई थ्री प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ठीक है। थ्री का स्क्वायर खोलेंगे, माइनस का है और इवन पावर तो प्लस साइन के साथ खुलता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ इस बात को। प्लस सेवन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी वन, और हाँ यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हो रही है, ये माइनस थ्री है, ठीक है ना, माइनस थ्री है, तो ये क्या हो जाएगा, सेवन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस सेवन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी वन, माइनस का ट्वेंटी वन आएगा, प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। ट्वेल्व और नाइन को ऐड कर लेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन इक्वल टू जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा तो जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि थ्री माइनस थ्री इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी है और हल भी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फोर को रख कर देखेंगे, क्या फोर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, रूट तो है क्योंकि फैक्टर मेथड से जो निकल जो वैल्यू आती है उसे रूट कहते हैं, लेकिन जो वैल्यू आएगी उसे रख कर देखेंगे क्या इनका हल है ये। एक्स स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, माइनस फोर से एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, माइनस फोर पावर टू प्लस सेवन माइनस फोर प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। फिर वैसे ही माइनस फोर है, स्क्वायर पावर है, इवन पावर है, तो क्या करेंगे, ओपन करेंगे, किस साइन के साथ खुलता है, पॉजिटिव साइन के साथ, तो 16 का फोर का स्क्वायर 16 प्लस सेवन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा तो माइनस 28 प्लस 12 इक्वल टू जीरो। 12 और 16 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 माइनस 28 ऐसे ही इक्वल टू जीरो, कैंसिल हो जाएंगे, जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि ये दोनों ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं और इनके हल भी हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल करते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं एग्जांपल। हम लोग कह रहे हैं फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, बाई फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 प्लस 2 इक्वल टू जीरो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कह रहे हैं इस इक्वेशन के रूट बताइए फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बताना है द्विघात समीकरण के। तो चलिए करके देखते हैं इसे, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अब क्या करना होता है फैक्टर करने में, सबसे पहले क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, किसका, ए और सी का, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसका एलसीएम लेंगे, तो ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 क्या होगा 6 हो जाएगा,
तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करके हम लोग को 6 लाना है और ऐड करके क्या लाना है, माइनस 2√6x। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए माइनस रूट सिक्स क्या होगा, माइनस 2√6, और रूट सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इंटू माइनस रूट सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, माइनस 2√6 को किस तरह स्प्लिट्स करना है, तोड़ना है इस तरह से, माइनस रूट सिक्स में 3x² ऐसे ही लिखेंगे, माइनस 2√6 को किस तरह लिखना है हम लोग को, √6x माइनस √6x प्लस 2 ऐसे ही इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन्हें भी इस और आसान करने के लिए अब हम लोगों को क्या करना होता है, इनका फैक्टर, इनका जो है कॉमन लेना होता है, इनको कॉमन लेता हूँ, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे और सिंप्लीफाई कर लें ताकि आसान हो जाए, इसे मिटा देते हैं। तो देखिए 3x² हम लोगों के जैसे √3 क्या होता है, 3 होता है, इसी तरह हम लोग इसे भी तोड़ लेंगे, √3x इंटू √3x, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे इसी तरह। अब इस वाले √6 को भी ऐसा ही हम लोग स्प्लिट्स करेंगे, तो √3 ये वाला x 3 के साथ ले लेते हैं और इंटू √2, ठीक है। इसी तरह ये वाले भी √6 को करेंगे, √3x इंटू √2 प्लस इस 2 को भी हम लोग जैसे 3 को किया है यहाँ पर, वैसे इस 2 को भी कर लेंगे, √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। क्या किया हम लोगों ने, √3x² को √3 में हम लोग ने स्प्लिट्स किया, √3x इंटू √3x, इस 3 को इस तरह लिख लिया है, और इस √6x को क्या किया है, √3x इंटू √2 क्या होता है √6x, वैसे ही इस वाले √6x को भी किया है और प्लस 2 को √2 इंटू √2 कर दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि आसानी से हम लोग समझ सकें इसमें क्या क्या छुपा हुआ है इनके अंदर, इन नंबर्स में, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, पहले इस वाले पेयर से लेंगे, फिर इस वाले पेयर से कॉमन लेना है, ठीक है। तो √3x कॉमन लेते हैं, इसमें भी √3x है और इसमें भी √3x है, ठीक है, √3x कॉमन लेंगे। तो यहां पर अंदर क्या बचेगा, एक √3x बच जाएगा, एक ये वाला बाहर ले लिया जाएगा, तो ये वाला बचेगा यहां पर, ठीक है, माइनस ये वाला √3x ले लिया जाएगा। अब क्या बचेगा, √2, फिर क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, इस बार क्या करेंगे हम लोग, माइनस के साथ कॉमन ले लेंगे, यहां पर माइनस है और इसमें भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहां पर एक माइनस हैगा, तो हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, और माइनस के साथ कौन सा नंबर लेंगे, इसमें भी √2 है और इसमें भी √2 है, तो √2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, √2 कॉमन लेंगे। क्या बचा, √3x और माइनस, प्लस था माइनस कॉमन ले लिया तो बचा क्या, माइनस, और अंदर क्या बचेगा, √2, एक √2 बाहर ले लिया, ये वाला बचा, इक्वल का साइन लगाएंगे, 0 करेंगे। अब क्या करेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे, जो भी सेम होंगे उन्हें कॉमन ले लेंगे, क्या इसमें √3x माइनस √2 है और इसमें भी √3x माइनस √2 है, तो इन्हें क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो √3x माइनस √2, और क्या बचा, ये वाला √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई।
एक बार और देख लेते हैं इसे, रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट सिक्स एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो था, ये इक्वेशन दी थी। हम लोग क्या करना था, फैक्टर करके इनके रूट्स निकालने थे। तो हम लोग ने क्या किया, थ्री एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा, माइनस टू रूट सिक्स को इस तरह स्प्लिट्स किया कि ऐड करने पर माइनस टू रूट सिक्स हो जाए, तो ऐड करने पर माइनस रूट सिक्स एक्स माइनस रूट सिक्स एक्स कर दिया, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाया, टू इक्वल टू जीरो। फिर इसे और इजी करने के लिए हम लोगों ने इन्हें और टुकड़ों में तोड़ लिया है, जैसे स्प्लिट्स कर लिया इन्हें, थ्री एक्स स्क्वायर को रूट थ्री एक्स इंटू रूट थ्री एक्स में स्प्लिट्स किया है, और माइनस रूट सिक्स एक्स को रूट थ्री एक्स इंटू रूट टू, वैसे ही इस वाले रूट सिक्स एक्स को किया यहाँ पर, और प्लस टू को रूट टू इंटू रूट टू, ताकि कॉमन लेने में हम लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो क्या किया, अब हम लोग कॉमन ले लेंगे, इसमें रूट थ्री एक्स दोनों में था, एक कॉमन ले लिया, एक बचा यहाँ पर उतार दिया, फिर माइनस का साइन लगाया, रूट थ्री एक्स कॉमन ले लिया ये वाला, अब क्या बचा, माइनस टू रूट टू माइनस रूट टू। अब क्या कॉमन लेंगे, इनमें से कॉमन लेना है, इसमें भी रूट टू था और इसमें भी रूट टू था, तो माइनस साइन के साथ कॉमन लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस के साथ कॉमन लिया तो क्या हो गया, रूट टू कॉमन ले लिया जाएगा, बचा क्या, ये वाला रूट थ्री एक्स माइनस, एक माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, माइनस, तो माइनस का साइन लगाया, और रूट टू एक बाहर ले लिया तो ये वाला रूट टू बचा, यहाँ पर लिख दिया इक्वल का साइन लगाया जीरो। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू दोनों में है, तो क्या करेंगे, दोनों से कॉमन ले लेंगे, ये वाला रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू कॉमन लिया, बचा क्या, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, जीरो से इन्हें कंपेयर कर लेंगे, तो चलिए कंपेयर करते हैं, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री एक्स इक्वल का साइन रूट टू, ट्रांसफॉर्मेशन करने पर इसे राइट हैंड साइड भेजेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। अब क्या बचेगा, एक्स इज इक्वल टू रूट टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री। इतनी बात समझ में आई, क्या किया हम लोगों ने, एक्स की वैल्यू निकाल ली है, कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया है ये, इसे मिटा कर अच्छा से लिखते हैं थोड़ा। एक्स रूट टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री, उसी तरह ये वाले में भी करेंगे, सेम यही प्रोसेस होगा क्योंकि सेम नंबर है दोनों, तो रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, उसी तरह जैसे इसमें किया था, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, रूट टू उधर जाएगा तो प्लस रूट टू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, रूट टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आई, रूट टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री, रूट कैसे आ रहे हैं, रिपीटेड रूट हैं, दोनों सेम रूट हैं। रिपीटेड रूट आ रहेंगे, अब क्या करेंगे, अब आप लोग खुद एक्स की वैल्यू रखकर इस इक्वेशन में चेक करेंगे, क्या इसको एक्स की वैल्यू रखने पर जीरो हो जा रहा है, अगर जीरो हो जाएगा तो ये इसके रूट तो हैं, इसके हल भी होंगे, ठीक है। इन एक्स की वैल्यूज यहाँ पर एक्स स्क्वायर में रखेंगे, अगर यहाँ पर रखने पर जीरो हो जाता है तो ये इनके हल भी होंगे। इतनी बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी, आगे के क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, पहले क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, बाकी के 2 से लेकर 6 तक मैं खुद एक सेपरेट लेक्चर के थ्रू
करवाऊंगा। और अगर कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैंगे। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, आगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और भी पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।